राजस्थान में चुनावी माहौल को लेकर के सियासत काफी गर्म नजर आ रही है और जो कहीं भाजपा सरकार अपना भाजपा वर्तमान जो सरकार है वो सरकार बनाने का दावा कर रही है तो उसे मात भी कहीं कई पार्टियां दे रही है। और हाँ, थर्ड फ्रंट है वो तो दोनों के सांसें फुला रहा है। तो आज हमारे साथ में चौटन विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री यादूराम जी है, जानते हैं उनसे उनकी पार्टी के बारे में कुछ। यादूराम जी, जो वर्तमान में प्रचार प्रसार चल रहा है उनको देख करके अपने आपको मतलब क्या लग रहा है कि कैसा जो प्रचार प्रसार है वो मतलब विपक्ष को काफी हद तक लग ऐसा रहा है कि वो उनकी सांसें फुला रहा है, आपके हिसाब से प्रचार प्रसार है कैसा है? हमारी जो चुनावी सभा हो रही है आज ये तीसरा दिन है। हमने एक बार जो है पूरे क्षेत्र का चौटन विधानसभा का जो है बाहरी जो है सीमा चौटन विधानसभा का सीमा क्षेत्र है उसके ऊपर हमने सभी सभाएं कर ली है। जिस तरह से जनता का हमें सहयोग मिल रहा है, हमारी बैठकों के अनुसार सभाएं हो रही है, उसके अलावा भी जो है रास्ते में भी कई लोग जो है रोडों पर आकर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। और जिस तरह से हमारे कार्यकर्ता और यहाँ की जनता जो है मुझे आशीर्वाद दे रही है उससे मुझे लगता है कि हम इस चौटन विधानसभा को भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जी सर, तो वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा नजर आ रहा है कि सबका विकास सबका साथ, और जो सबका साथ अब वर्तमान समय में आपका मुद्दा क्या है, किस मुद्दे को लेकर उठा रहे हैं? वर्तमान समय में हमारा मुद्दा है शिक्षा का है, और जिस तरह से हमारे वर्तमान विधायक ने चौटन के अंदर महाविद्यालय खोला और मेरा जो है सबसे जो है प्रमुख मुद्दा होगा कि धना और सेडवा के अंदर भी हमारे विद्यार्थियों के लिए महाविद्यालय खुले और हमारी जो नर्मदा नहर है इसका विस्तार हो, और जहाँ जिन किसानों और गांव के अंदर मीठा पानी नहीं है वहाँ तक पानी पहुँचाने का। तो एक तीसरा जो सवाल ये है कि मतलब जो यहाँ पर एक थर्ड फ्रंट है वो भी अपने बलबूते के साथ प्रचार प्रसार कर रहा है, जो मतलब दोनों पार्टियों के खिलाफ प्रचार प्रसार कर रहा है, तो क्या उनका भी प्रभाव अपनी पार्टी पे पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी पे उनका कोई प्रभाव नहीं है। उसका कारण यह है कि वो जो उम्मीदवार है वो कांग्रेस का उम्मीदवार है, कांग्रेस का टिकट मांग रहा था, उन्हीं में से अलग होके बागी ये थर्ड फ्रंट। बहुत बहुत धन्यवाद।